मैं अमित शर्मा सिग्नेट क्रॉप साइंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं सिग्नेट नकुल 5275 के खेत में, जो कि लगाया हुआ है किरणदीप जी ने। आपका नाम? रणबीर सिंह जी। गांव है नवापिंड पायल, जिला लुधियाना, पंजाब। तो आज हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस कंपनी का धान लगाया है और उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो किरणदीप जी, आपने ये कौन सा धान लगाया हुआ है? ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਲ ਚੀਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਗਨੈਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਕੂਲ 5275। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਲਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੂਗਾ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 5275 ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਓ, ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਆ, ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਹ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਕੋ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਮ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪੱਕਣੇ ਵਾਲਾ ਧਾਨ ਇਸਕੋ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਬ ਲਗਾਇਆ ਥਾ? ਇਹ ਮੈਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੀ। 15 ਜੂਨ तो कहना है मतलब 80 से 85 दिन में करके बाहर आ जाएगा, 85 से 90 दिन रोपाई के बाद। हाँ जी, तो कम समय का धान है। हाँ, ठीक है। तो अभी जरा ये और बताइए, आपने इसमें अब तक क्या क्या खाद पानी डाला है, या कोई इसमें आपको बीमारी नजर आई, क्या आपको विशेषता लगती है इसमें अन्य धानों से? 126 तो मैंने बढ़िया लगी है, पिछली बार 121 लाई थी, मूली पै गई थी नेड़े जाके, वो तो ठीक है। ठीक है, मतलब कोई बीमारी मुबेरी इसमें नहीं पड़ी? बीमारी घट है। ठीक है। अच्छा, इसकी जैसा आप अभी देख रहे हैं पत्ता बिल्कुल हरा है। हाँ जी, जो भी आप भी देख रहे हैं पत्ता बिल्कुल हरा है। तो आप बताइए कि किसी एक किसान की दृष्टि से किसान को क्या कम टाइम का बीज लगाना चाहिए, इस तरह का बीज किसान लगाए?